हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। उसका एन इंट्रोडक्शन टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और जो एस्पिरेंट्स जो नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होता है? इसमें अ पेयर ऑफ ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब, उसको ओविडक्ट भी कहते हैं, यूटेरस, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलियस। अ पेयर ऑफ ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलियस, दे आर इंक्लूडेड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देन मेमरी ग्लैंड को भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंक्लूड किया जाता है, बिकॉज दे आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सपोर्टिंग ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, देन प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। क्योंकि वो ओवुलेशन को सपोर्ट करता है, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। फॉर दैट रीजन मेमरी ग्लैंड इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि ओवरीज क्या है। व्हाट आर ओवरीज? ओवरीज एक्चुअली आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड दे आर ऑल्सो नोन एज एंड दे प्रोड्यूस गैमेट, ऑल्सो नोन एज ओवम, एंड आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेवरल स्टेरॉयड हॉर्मोन्स, एंड दो स्टेरॉयड हॉर्मोन्स आर प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन। ओवेरीज आर लोकेटेड इन बोथ द साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन एंड दे आर 2 to 3 सेंटीमीटर इन लेंथ। दे आर कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल and also to the uterus with the help of ligaments. The name of the ligaments are suspensory ligament and proper ovarian ligament. Suspensory ligament attach ovary to the pelvic wall and proper ovarian ligament connect the ovaries to the lateral part of the uterus. So the ovary hai wo पेल्विक वॉल के साथ अटैच रहता है विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट, एंड जो प्रॉपर ओवेरियन लिगामेंट है वो ओवरी को लेटरल पार्ट ऑफ द यूटरस से कनेक्ट करके रखता है। एंड ओवरीज आर 2 to 3 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड दे आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टू काइंड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉयड हॉर्मोन्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। एंड ओवरीज आर कवर्ड बाय अ thin epithelium and it encloses ovarian stroma. The stroma are divided into two zones and those zones are a peripheral zone and an inner zone, and ovaries are oval in shape. Ovaries actually ye cover rehta hai by a thin epithelium, usko stroma kehta hai. A stroma mein do prakar ke zones rehte hain, पेरिफेरल जोन एंड एन इनर जोन, एंड ओवरीज ओवल शेप में रहता है। थैंक यू।